आप बॉलीवुड वालों से एक शर्त लगाइए, शर्त ये कि देखिए बॉलीवुड कोई भी मूवी रिलीज करता है तो सोचिए वो बहुत ज़्यादा घटिया है, सोचिए क्या होती सारी घटिया है। अभी आदिपुरुष जैसे मूवी देखी, इतनी वाहिया टट्टी मूवी आ जाती है। अब वो मूवी देख के आप सोचिए कि यार बॉलीवुड वाले इससे घटिया तो क्या ही बना सकते हैं, आप उनको ये बात बोलिए, उनकी शर्त लगाइए। तो बॉलीवुड वाले इस बात को बहुत ज़्यादा वो सीरियस लेते हैं और इसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा वो मेहनत करते हैं कि यार एक तो हमने इतनी घटिया इतनी वाहियात मूवी बना दी, अब इससे भी ज़्यादा टट्टी मूवी कैसे बनाएं। वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं और वो बना के लेके आते हैं। अच्छी मूवी नहीं बनाएंगे, अपना दिमाग कभी वो अच्छी चीज़ों के ऊपर नहीं चलाएंगे या फिर एक नई स्टोरी डेवलप करें, वो उनको आता ही नहीं है। उनको काम उनका काम यही है कि घटिया और वाहियात कंटेंट कैसे डिलीवर करना है, वो इस चीज़ में लगे। मतलब ये बॉलीवुड की नैया कैसे डबोनी है, ये बॉलीवुड वाले इसके अंदर लगे हुए हैं, पूरी दिल और जान इसके अंदर लगे हुए हैं। और उसी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट करके एक और मूवी आई है। हॉरर तो पता नहीं कहाँ था, इसके अंदर पता ही नहीं चल रहा था। एक 1920 देख के मैंने कह रहे 1920 के ऊपर ही अटके हुए हैं, ये आगे नहीं बढ़ेंगे क्या इनका दिमाग, मतलब सच में एक जगह ही अटका हुआ है। मूवी के अंदर भी दिखा रहे हैं एक जगह ही अटका हुआ है इनका दिमाग। तो ये जब मूवी देखने गया यार मुझसे ये टॉलरेट नहीं हुई। एक ऐसी मूवी होगी जिसके अंदर मैंने टिकट तो ली और इसको हाफ में देख कर मैं बाहर ही आ गया। इसको थिएटर में किस क्या सोच के रिलीज किया गया, मतलब कौन क्या सोच के ले रहे हो यार इस मूवी को थिएटर में, बाहर फेंक देनी चाहिए यार ये मूवी, ऐसी है मूवी। वाकई में इस मूवी के मेकर्स को अगर ऐसा कोई लो होता ना देश के अंदर कि भाई आपके रुपए ख़राब कर चले गए, ऐसा होता ना आप चीज़ ख़राब लेकर मतलब कोई चीज़ लेकर आते हो आप उसको दुकान में जाकर रिटर्न कर देते हो यार ये चीज़ ख़राब आ गई, ऐसा कोई लो भी होना चाहिए देश के अंदर कि यार आप गए ये मूवी आपको टॉलरेट आपका टॉलरेट ही नहीं हो रही, आपके सर में दर्द कर रही है इतनी वाहियात है, उसके ऊपर आप केस कर सकते हो। मैं सच कर रहा हूँ इस मूवी के ऊपर मैं केस कर देता, इतनी वाहियात इतनी घटिया मूवी है ये, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि आपके रुपये वापस मिल जाए। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ यार मैंने इस मूवी को देखने के लिए, मैंने टिकट खरीदी इससे वाहियात तो मैं पायरेसी में इस मूवी को देख लेता, मतलब उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ऐसी फीलिंग हो रही है मुझे कि क्या बकवास क्या कचरा मैंने देख लिया होगा। पायरेसी में भी इससे भी लोग इस मूवी को ना देखें वो भी थूक के जाएंगे इस मूवी के ऊपर, ऐसी वाहियात मूवी है। हॉरर भले ही इस मूवी का नाम है हॉरर ऑफ द हार्ट, लेकिन हॉरर है नहीं इस मूवी में। हाँ मूवी खुद एक हॉरर जो है, आप देखेंगे यार क्या कचरा बनाया है, आप देख के डर जाएंगे यार क्या, ये ऐसी मूवी नहीं देखनी है। स्टोरी की बात करें तो मेघना नाम की एक लड़की है, उसके पिता जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। तो मेघना को पता चलता है कि उसके पिता ने सुसाइड क्यों किया, उसकी माँ ने उसको जहर दे दिया था उसके पिता को, राधिका उसकी माँ का नाम होता है। अब राधिका ने किसी अमीर आदमी से शादी कर ली, वो यार मेघना को गुस्सा आता है यार मेरी माँ ने ऐसा कर दिया, मैं अपनी माँ से बदला लूँगी। तो बदला लेने के लिए उसकी माँ के पास चली जाती है। बदला कैसे लेगी, बदला ऐसे लेगी भैया उसकी बाप की आत्मा उसकी इसकी हेल्प कर देती है। क्या स्टोरी है, क्या यूनिक स्टोरी है, ना आज तक देखी ना आज तक सुनी। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये परफॉर्मेंस जो आती है ना यार, आप वो परफॉर्मेंस देखेंगे सच में आप वहाँ पर थिएटर में फर्श के ऊपर अपना सर फोड़ देंगे। लिटरली मेरा ऐसा मन कर रहा था गुस्सा, मैं चप्पल लिया चप्पल पहन रखी थी जो भी मैंने पहन रखा, मैं कहा यार पर्दे पे फेंक के मारूंगा, पर वो सिक्योरिटी गार्ड वाले मारते यार। सच में इतनी वाहियात परफॉर्मेंस उल्टी कर दोगे यार उस परफॉर्मेंस को देख के, इतनी घटिया परफॉर्मेंस करी। उसके बाद आप इस मूवी के हर एक एंगल की बात कर लो, चाहे आप इसका स्क्रीन प्ले सिनेमेटोग्राफी CGI परफॉर्मेंस साउंड एडिटिंग या फिर इसमें गाने किसी भी एंगल से चले जाओ, हर लिहाज से मूवी टट्टी है, वाकई में टट्टी है। मुझसे इससे भी ज़्यादा घटिया बोलना है लेकिन शब्दों की मर्यादा रख रहा हूँ, वरना इससे भी बहुत गंदा बोलना था। इतने बेकार बेकार यार हैरानी होती है यार मूवी, ये जो बॉलीवुड वाले जो इस मूवी के मेकर्स हैं इनके पास इतना पैसा है क्या कि भाई मूवी बनाई और बस रिलीज कर दी, उन्होंने ना ये देखा कि मूवी के अंदर क्या बनाया है, क्या सच में ये नशा फूंक के बैठे होते हैं क्या, इनको दिन दुनिया का पता ही नहीं चलता क्या बन रहा है क्या चल रहा है यार आगे, मतलब पैसे लगा देते हैं लोग। इससे बेटर तो ये है कि भैया तुम ये पैसे किसी को दान दे दो ना, थोड़ी बहुत दुआ दे, कम से कम मूवी देख के तुम्हें बद्दुआ तो नहीं देगा, जैसे मुझ जैसे लोग बद्दुआ दे रहे हैं कि क्या कचरा देख के आ गए हम। किसको पसंद आ रही है मूवी, कौन है इसको पसंद करने वाले वो लोग, सच में जो इस मूवी को पसंद भी कर रहे हैं मुझे लगता है कि यार वो वाकई में बेरोजगारी लोग होंगे, उनके पास दिमाग है ही नहीं। और सच में वही जो है कभी भी प्रोटेस्ट होता है तो वही आगे चले जाते हैं कि यार तुम्हें रुपया दे देंगे थोड़ा बहुत आ जाओ विरोध प्रदर्शन करना है, इनके पास दिमाग नहीं, दिमाग से पैदल वो लोग हैं जिनको ये मूवी पसंद आ रही है। सच में ऐसी फीलिंग हो रही है। आप लोग अगर ये मूवी देखने जा रहे हो 100-150 रुपये लगा रहे हो तो मैं सच कहूँगा आप उन रुपयों को अपने सामने रखिए, उन रुपयों को आग लगा दीजिए, तिले लगा दो उसको, सच में वो आपको ज़्यादा आनंद देगा। जलते हुए देख के आप लोगे कि अरे यार ये अच्छे जल रहे हैं, आपको उतना ज़्यादा हर्ट नहीं होगा जितना आप इस मूवी को मतलब वो टिकट देकर इस मूवी को देखने जाएंगे। इससे ज़्यादा और क्या ही बोल सकते हैं यार, कितनी ज़्यादा वाहियात मूवी है ये। और जब भी मैं कोई मूवी देखने जाता हूँ ना तो ऐसा होता है कि उसके बारे में मैं अपनी कॉपी के अंदर लिखता हूँ कि यार इस मूवी के बारे में मुझे ये बोलना है ताकि भाई कोई चीज़ मिस ना हो जाए, इसके बारे में मुझे ये चीज़ें बोलनी होती, इसलिए मैं वो चीज़ें लिख लेता हूँ। ये जब मूवी देख के आया
अब मैंने एक रफ कॉपी बना रखी है, उस रफ कॉपी का जो एक होता है ना ब्राउन पेज, आपने देखा होगा वो ब्राउन पेज भी मैंने ख़राब करने के बारे में नहीं सोचा कि भाई इस मूवी में ऐसा था ही क्या जो मैं इसके लिए अपना पेज ख़राब करूँ, ये वो भी डिज़र्व नहीं करती। ऑलरेडी तो मेरे इसके ऊपर रुपये ख़राब हो चुके हैं। तो भाई मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 0/0 नील बटे सन्नाटा। भाई मेरी तरफ से तो इतना ही है। आप लोगों ने मूवी देखी है तो आपका दर्द कैसा रहा इस मूवी को देखने के बाद वो आप बयां कर सकते हो। आपकी राय क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, आपको अच्छी लगी नहीं लगी वो बता सकते हो। अच्छी लगी हो तो भाई सब मत ही बताना यार, सच में मुझसे वो तो कमेंट्स भी सहन नहीं होगा। जिन्होंने नहीं देखी आप सोच रहे हो भाई मत जाओ, बिल्कुल भी मत जाओ। अपने 100 रुपयों को 150 रुपयों को भाई कुछ खा लो, किसी को कुछ खाना खिला दो, या फिर नहीं हो रहा वो सब चीज़ उनको आगे लगा दो, वो भी बेटर रहेगा। मैं बस मत जाना यार, बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।